दोस्तों मेरा नाम है कुलविंदर और आप देख रहे हो टेक्निकल पीपल। आज मैं बात करने वाला हूँ एयरपॉड 2 के बारे में। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है, अगर आपको इनके डिफरेंस जानने हैं एयरपॉड 1 से इसमें क्या नया आया है और क्या बेनिफिट है आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं कि इसके बॉक्स में सबसे पहले क्या क्या आपको इसमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। चलिए ये देखिए, मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ इसका। इसमें वही होती है जो चार्जिंग केस होता है, इसमें मैं निकाल देता हूँ और देखते हैं इसमें कैसा डिफरेंस आता है। ये देखिए बॉक्स बहुत अच्छा है और बाहर में एलईडी मिलती है आपको ये इसके अंदर। इससे आपको पता लगे चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है या ऑन है कि नहीं है ऑन है। तो ये बॉक्स है इसका। बॉक्स के आगे पीछे देखते हैं, ये लिखा हुआ है एयरपॉड वायरलेस चार्जिंग पॉड केस। इसमें आपको दिख गया है यहाँ पर लिखा हुआ, ये इंडियन नहीं है, ये बाहर के हैं, इसलिए इसमें MRP वगैरह नहीं लिखा हुआ है। ये फ़ौरन से मंगवाया मैंने और ये देख सकते हैं इसके में वायरिंग मिलती है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं इसको। और ये टेस्ट करते हैं हम इसमें वायरलेस चार्जिंग। ये बॉक्स वायरलेस चार्जर के ऊपर रखा है, ये देखिए ये LED लाइट जलती है कि हाँ ये चार्ज हो रहा है, ये बता रहा है हाँ ये चार्ज हो रहा है। तो आप वायरलेसली इसको चार्ज कर सकते हो। इसके बाहर आपको नोटिफिकेशन ये LED लाइट मिलती है। इसमें डिफरेंस जो इसके केस में है, ये पुराने एयरपॉड्स के साथ भी चलता है, आप पुराने एयरपॉड्स भी इसमें चार्ज कर सकते हो वायरलेसली। और चलो इसमें अपने एयरपॉड्स भी डाल के देखते हैं कैसे चार्जिंग होती है। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं एयरपॉड्स और ये आप देखिए लाइट आ रही है कि अभी चार्ज हो रहा है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है एप्पल की तरफ से। और देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या क्या आए हैं जो नए एयरपॉड्स में हैं। चलिए इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस मिलता है। जो एप्पल की साइट पे बताया गया है कि आपको इसमें जो है पहले से ज़्यादा टॉक टाइम मिलेगा, एक्टिवेटेड सीरी मिलेगी और न्यू वायरलेस चार्जिंग केस मिलेगा। और ये चलिए इसकी सीरी के बारे में बात करते हैं। सीरी का क्या बेनिफिट है। सीरी में आप अगर आपको कॉल करनी है, पहले होता था कि डबल टैप करना पड़ता था एयरपॉड पे तब जाके सीरी एक्टिवेट होती थी। इसके अंदर ऑटोमेटिक एक्टिवेट है, जब मर्जी आप बोलिए हे सीरी कॉल टू होम, आप सीधा घर को कॉल लगा सकते हैं, आपको ज़्यादा इसमें टैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत बेनिफिशियल है, जो लोग ड्राइविंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत सही चीज़ है ये। और इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें जो H1 चिप चेंज की गई है, पहले W1 आती थी अब H1 आती है, ये पहले से ज़्यादा फास्ट है और पहले से ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आपस में जो अगर आप घड़ी यूज़ करते हैं तो जल्दी घड़ी या फ़ोन एक साथ यूज़ करते हैं तो आपस में स्विच जो है टाइम वो 2 टाइम फास्ट बताया गया है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि पहले से इम्प्रूव्ड है, पहले से काफ़ी अच्छा है कि इम्प्रूव कर दिया है कि उससे कि आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर होगी। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर बैटरी लाइफ। जो बैटरी लाइफ बहुत बड़ा इसके अंदर अपग्रेड है कि पहले से 1 घंटा जो आपको ज़्यादा टॉक टाइम मिल रहा है, पहले 2 घंटे मिलते थे अब 3 घंटे मिलते हैं लगातार। मतलब एक बार आपने फुल चार्ज कर लिया एयरपॉड को तो 3 घंटे आप इसमें बात कर सकते हैं। ये थे मेन डिफरेंस। अगर आपको लगता है आपको अपग्रेड करना चाहिए तो नए एयरपॉड ही लें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।